इधर मध्य प्रदेश के मांदाता विधानसभा में असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य था, जबकि भाजपा ने प्रदेश में विकास किया। उन्होंने तंज कसा कि तमाम घोटाले कांग्रेस के शासनकाल में हुए। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को समर्थन देने की अपील की। इस कांग्रेस का शासनकाल में एक बीमारू प्रदेश था, आज मध्य प्रदेश देश का अग्रणी प्रदेश में है और आगे भी भाजपा लेके जाएगा। तो बीजेपी को ही वोट देना सही है, कांग्रेस को वोट देने का मतलब फिर बीमारू बनना। देश में जितना घोटाला आज तक हुआ है 75 साल में, सारे तो कांग्रेस का समय में ही हुआ था।